तो मध्य प्रदेश के लिए ईटीजी का एग्जिट पोल भी सामने आ गया है और उस पर कांटे की टक्कर नजर आ रही है, लेकिन इस कांटे की टक्कर में भी कांग्रेस सबसे आगे निकलती हुई नजर आ रही है। आंकड़े आपके स्क्रीन पर हम रख रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में ईटीजी के मुताबिक 105 से 117 सीटें जीती हुई नजर आ रही है, जबकि 109 से 125 सीटें कांग्रेस जीती हुई नजर आ रही है। अदर्स के खाते में एक से लेकर पांच सीटें जा सकती है, यह अनुमान ईटीजी का है मध्य प्रदेश को लेकर। तो ईटीजी का एग्जिट पोल सामने आ गया है जिसमें 105 से 117 सीटें भगवा दल के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में 109 से 125 सीटें जा सकती है, यानी कि अनुमान के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ज्यादा आगे निकलती हुई नजर आ रही है एग्जिट पोल के मुताबिक ईटीजी के। और ऐसे में क्या कमलनाथ अपनी वापसी कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, ये एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। हालांकि ये आखिरी एग्जिट पोल नहीं है, जो पूरे नतीजे हैं वो 3 दिसंबर को सामने आने वाले हैं। ऐसे में एक अनुमान के तौर पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी आगे निकलती हुई मध्य प्रदेश में नजर आ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी वहां पर पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। उसके खाते में सिर्फ 105 से 117 सीटें ही जाती हुई नजर आ रही है, जबकि 109 से 125 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि यहां पर अगर देखा जाए तो दोनों ही पार्टियों को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 117 सीटें उसके खाते में मैक्स बताई गई हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के 125 सीटें मैक्स बताई गई हैं और 116 का बहुमत का आंकड़ा है। तो ऐसे में आगे क्या होगा ये 3 तारीख को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए जो ईटीजी का एग्जिट पोल सामने आया है वो यही दिखा रहा है कि कांग्रेस पार्टी आगे है, जबकि भारतीय जनता पार्टी एक कदम पीछे नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।